नमस्कार। ऐसा नहीं है कि आपने अतिथि शिक्षक स्कोर कार्ड बनवा लिया और आप अतिथि शिक्षक बन गए। वास्तव में अतिथि शिक्षक स्कोर कार्ड बनवाना मात्र अतिथि शिक्षक बनने का एक चरण है। अतिथि शिक्षक स्कोर कार्ड बनवाने के बाद अतिथि शिक्षक बनने के लिए क्या करना पड़ता है? तो आपने सबसे पहले स्कोर कार्ड बनवाया होगा, उसे माननीय संकुल प्राचार्य के माध्यम से वेरीफाई करवा चुके होंगे। अब आपने जब वेरीफाई करवा लिया तो इसके बाद अब आपको इंतजार करना है फार्म कब से डल रहे हैं अतिथि शिक्षक के लिए। लेकिन साथ ही साथ आपको एक काम और करते रहना है, आपको यह पता कर लेना कि अतिथि शिक्षक के लिए खाली पद कहाँ पर हैं और किस विद्यालय में है। यदि आप कहीं गर्मी में दौड़ धूप करना नहीं चाहते हैं तो स्वयं अपने मोबाइल से ही अतिथि शिक्षक के लिए खाली पद देख सकते हैं। ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक इस वीडियो के ऊपर आई कार्ड में दी गई है, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना की स्थिति यह होती है कि विद्यालय में पद ऑनलाइन खाली शो होता है, लेकिन जब विद्यालय में जाते हैं तो वहां पर पद खाली नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आपको ऑफलाइन पद तलाश करने पड़ेंगे। तो ऑफलाइन के लिए हमने क्रमशः वीडियो बनाया है जिसकी लिंक इस वीडियो के निम्न स्क्रीन पर दी गई है। जब आप ऑफलाइन फॉर्म डाल देंगे इसके बाद आपको उस विद्यालय में जहाँ पर पद खाली है जाना पड़ेगा, वहां पर फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा और एक विद्यालय में नहीं कई विद्यालय में आपको अतिथि शिक्षक के लिए फॉर्म डालना है। फॉर्म डालने के बाद आपको यह याद रखना कि आपको प्रत्येक विद्यालय से पावती जरूर लेनी है। पावती क्या होती है? तो जो आप फॉर्म डालेंगे उसके साथ रिसिप्ट दी जाती है कि आपने हमारे विद्यालय में फॉर्म डाला है। इसके बाद आपको समय समय पर HM साहब का नंबर लेकर आना है और समय समय पर उन्हें फोन लगाना है कि आपके द्वारा जो फॉर्म अप्लाई किया गया था उस फॉर्म का क्या होगा। और यदि नहीं जानकारी देते तो आपको जिस विद्यालय में हो जहां जहां आपने फॉर्म डाले वहां पर जाकर आपको पता करना है कि आपके यहाँ पर भर्ती किसकी हुई। साथ ही साथ पैनल पर नजर रखना है। कई बार क्या होता है, हेडमास्टर HM साहब आपसे नीचे के पैनल के कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दे देती है, तो आपको क्रमबद्ध सही जानकारी रखना है। जब आपके पैनल में आपका नाम आ जाता है आप स्कूल विद्यालय जाने लगते तो इसका तात्पर्य नहीं कि अब आपकी बैठ कंप्लीट प्रोसेस हो गई है। प्रोसेस तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक आपकी ऑनलाइन फिटिंग नहीं होती है। इसके बाद SMC की बैठक का गठन होगा, आपका प्रस्ताव जाएगा, फिर संकुल प्राचार्य के माध्यम से आपका नाम JFMS पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। आपको स्वयं JFMS पोर्टल पर दर्ज करना देखना है कि आपका नाम पोर्टल पर फिट है या नहीं, और इन सभी प्रक्रिया के बाद ही आप अतिथि शिक्षक बन सकते हैं। नमस्कार। जय माता दी। राधे राधे। जय श्री।